फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज एक बार फिर से हम आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए हैं मीशो से, और ये सारे हैं किचन के प्रोडक्ट्स और डेली यूज की ही प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो बस हम आपको भी ये सब प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से थैंक यू। नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे जब भी हम वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उससे क्या होगा, आप मेरा वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं जैसे कि होम ऑर्गेनाइजर, होम डेकोर एंड ज्यादातर किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक मीशो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मीशो ऐप का लिंक मिल जाएगा। मेरे दिए हुए लिंक से आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% या फिर 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मेरे दिए हुए लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम शेयर करेंगे, ये एक ग्लास का कॉम्बो सेट है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का है। ये विथ स्ट्रॉ आते हैं ये ग्लासेस, और ये ग्लास मटेरियल में ही है। काफी ज्यादा हैवी है मटेरियल इसकी, ग्लास हैवी है और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। आप यहाँ देख सकते हैं सामने इस तरह की ना डॉल्फिन की प्रिंट बनाई गई है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम बच्चों को ऐसे चीजों में दूध पिलाएं या फिर शेक पिलाएं तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पीने में भी। उनको भी कुछ अलग अलग सा चाहिए देखने के लिए। सिंपल से ग्लास में देंगे तो वो वैसे ही नखरे करते हैं नहीं पीने के लिए, लेकिन ये कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बट बड़े भी यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो सिपर भी है एंड साथ में अंदर स्ट्रॉ भी दिया गया है। यूज करके भी हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम लीक प्रूफ है, बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ ये। आप इसको ट्रैवल में भी, कहीं ट्रैवल करने में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें आप चाय डाल सकते हैं, टी, कॉफी या फिर मिल्क शेक या कोई भी शेक, या फिर बच्चों को दूध पिलाने के लिए जैसा कि हमने आपको बोला आप यूज कर सकते हो। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। प्राइस 350 में आपको दो मिल रहा है, ठीक है, और दोनों सेम साइज का है। इस पे साइज 350 ml लिखा है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे कैटलॉग में, डिस्क्रिप्शन में 400 ml दिखा रहा है, लेकिन ये 350 ml ही है सिर्फ। और इसके हम खोल के दिखाएं तो ये देखिए एयर टाइट लिड दिया गया है, और इसमें इस तरह का स्ट्रॉ भी दिया जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। एक बार पहले भी हमने मंगाया था बट वो क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी। वैसे प्राइस तो सेम ही था, 350 का ही था, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये आप डेफिनेटली खरीद सकते हो अपने बच्चों के लिए या फिर आप खुद के लिए भी ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस। पहला प्रोडक्ट ये था। दूसरा एक बहुत ज्यादा छोटा सा आइटम है एंड क्यूट सा है, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह का एक पीलर है एंड बहुत ही ज्यादा सही लगा मेरे को ये आइटम। वैसे पीलर नॉर्मली हम तो यूज करते ही हैं, जैसे कुछ भी छिलना हो पीलर यूज होता है, और मतलब कुछ ना कुछ अच्छा आता ही रहता है मार्केट में। नॉर्मल पीलर जो होता है उसको हम पील करते हैं तो जो उसकी पील्स होती हैं सब नीचे गिर जाता है। मतलब जैसे कैरेट हो, पोटेटो हो, कुछ भी हम छिलते हैं तो छिलके सारे ऐसे प्लेट में लेना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका जो भी छिलका है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। मतलब आप यहां से पील करेंगे, यहां से पील करेंगे और छिलका कलेक्ट हो जाएगा, और बाद में आप इसको निकाल के फेंक सकते हैं। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और काफी यूजफुल भी है, डेली यूज में आता है ये प्रोडक्ट। ऐसा है कि आप रोज ही यूज करेंगे, ज्यादातर यूज होगा ये। 130 के आसपास का प्राइस है। क्वालिटी इसकी अच्छी लगी मेरे को। प्लास्टिक है लेकिन आपको रैंडम कलर्स मिलेंगे, कलर कुछ और, हमने ग्रीन ऑर्डर किया था लेकिन ये मेरे को रेड आ गया, लेकिन काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। तो ये भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। अब जो थर्ड आइटम है ये एक स्पैचुला का सेट है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का ना, इसमें स्पैचुलाज मिलेंगे, 6 पीसेस हैं और ये प्लास्टिक मटेरियल में है। क्वालिटी बताएं तो अच्छी है क्वालिटी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोलेंगे हम। वैसे हीट रेजिस्टेंट है, लेकिन मेरे को लगता है ये एज अ डेकोर यूज करने के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप अपनी किचन में हैंग करेंगे ना तो ये बहुत प्यारा लगेगा देखने में। यूज कर सकते हैं आप, यूज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम खुद अपना पर्सनल जो थॉट है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर मेरे को ये रखेंगे तो हम इसको हैंग करेंगे किचन में ताकि देखने में लुक अच्छा आए, यूज हम इसको कम ही करेंगे। वैसे आप इसको यूज भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, प्लास्टिक है और जैसा हमने आपको बताया हीट रेजिस्टेंट है, तो आप इसको यूज जरूर कर सकते हैं। और हैंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप अगर आप
के पास मतलब ज्यादा स्पेस नहीं हैंग करने के लिए, तो आप इसमें ही लगा के एक ही नेल में इसको पूरा हैंग कर सकते हैं। तो हम आपको ये दिखा दे, तो ये देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैचुलाज हैं जो कि पूरा सेट है, इसके बाद आपको अलग से कोई स्पैचुला यूज नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट आइटम है ये एक कटलरी सेट है, आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्टील कटलरी सेट है। बहुत टाइम से हम देख रहे थे और किसी ने मेरे को बोला भी था, वैसे हम बहुत सारे आपके साथ शेयर कर चुके हैं कटलरी सेट जिसमें प्लास्टिक के होते हैं, जैसे कि ये स्पून्स के जो हैंडल होते हैं ना वो प्लास्टिक के, और जो ये होल्डर है ये प्लास्टिक का होता था, तो स्टील का हम चाहते थे आपके साथ शेयर करना इसलिए हमने मंगाया। और मेरे किचन में भी एक बार किसी ने देखा था तो उन्होंने भी पूछा था कि आपने कहाँ से लिया, तो वो तो हमने ऑफलाइन लिया था, इसलिए हमने सोचा चलो एक बार हम खरीद के आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है, वैसे देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आ जाते हैं क्वालिटी के ऊपर, तो देखिए ये जो स्पून है ये आपको 25 पीसेस मिलेंगे और क्वालिटी है बहुत लाइट, स्टेनलेस स्टील है बट बहुत अच्छी क्वालिटी तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ओके है, लाइट वेट है मटेरियल इसकी। और ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड पूरी स्टील नहीं है, यहाँ पे स्टील है और ये हाँ यहीं पे स्टील है बस, और ये स्टील है, ये जो बीच का पोर्शन है ये स्टील है, बाकी ये प्लास्टिक है, ये आपको दिख रहा होगा स्टील कलर में लेकिन ये प्लास्टिक है, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली स्टील नहीं है और ठीक है, मतलब ओके है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, 350 के हिसाब से ठीक लगा मेरे को, ओके प्रोडक्ट है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, ओके प्रोडक्ट है, मेरी तरफ से 5 out of 3.5 स्टार्स दे सकते हैं हम इसको, तो कुछ इस तरह का क्वालिटी है इसका। अब इसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट आता है, अगेन ये भी काफी ज्यादा यूज होने वाला आइटम है हमारे किचन में, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का एक रैक है, यूटेंसिल्स रैक है। वैसे हमने आपको बड़े वाले रैक भी दिखाया है पिछले किसी वीडियो में, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप चेक करना चाहो तो आप जरूर चेक करना, उसमें बड़ा स्टैंड दिखाया हमने। ये बहुत छोटा सा है, इसकी हाइट अराउंड 13 inches है, ठीक है, और अगर छोटा किचन है, अगर आपके घर में कम लोग हैं, कम यूटेंसिल्स यूज होते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है, स्टेनलेस स्टील है, बस एक चीज थोड़ी सी इसमें लग रही है मेरे को, जो ये ना सीधा बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा, एक तरफ से थोड़ा सा झुक जा रहा है, आप ट्राई ऑन में देखना आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा थोड़ा ना हिल रहा है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी इशू नहीं है, मतलब नीचे कुछ लगा लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। और प्लेट्स आप इसमें काफी सारे लगा सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10 10 प्लेट्स आराम से आ जाएंगे इसमें, स्पून हैंग करने के लिए 3-4 स्पेस स्लॉट्स दिया गया है, और यहाँ पे आप बाउल्स ग्लास जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। साइज में छोटा है लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है, डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस, प्राइस के हिसाब से अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है। वैसे इसमें डिफरेंट वेराइटीज मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने देखा है, वो हम आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे, फिलहाल हमने यही मंगाया था, इतना छोटा हमने सोचा नहीं था लेकिन है तो छोटा लेकिन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप कुछ छोटा देख रहे हो तो जरूर ट्राई कर सकते हो। तो बस ये था मेरा आज का लास्ट प्रोडक्ट, एंड आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है, बस एक लाइक करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।